सम्मानित शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल KL Info by KS Lal Sir में हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूल खोलने पर सहमति बन गई है। पिछले एक साल से बंद पड़े स्कूल को 1 अप्रैल 2021 से खोले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके बाद अब बाल संरक्षण आयोग बच्चों के पक्ष में सामने आया है। दरअसल बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखा है कि इस पत्र में आयोग ने मांग की है कि पहले स्कूल का जायज़ा लिया जाए, उसके बाद इस पर निर्णय किया जाए। दरअसल बाल संरक्षण आयोग ने शनिवार को स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से संक्रमण की रफ्तार तेज़ हो रही है। स्कूल खोलने से पहले स्कूल का जायज़ा लेने के लिए अफसरों को भेजा जाए। अफसरों के जायज़ा लेने के बाद ही स्कूल में संक्रमण से बचाव के पर्याप्त इंतजाम है या नहीं इसकी पुष्टि की जाए, जिसके बाद स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। इतना ही नहीं, आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान द्वारा यह भी कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं इसमें कहीं भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा परेशानी निजी स्कूलों को होगी। वहीं ब्रजेश सिंह चौहान का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग अपने स्तर से तो स्कूलों का जायज़ा लेगी, बाल संरक्षण आयोग द्वारा भी स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना संबंधित गाइडलाइन और SOP के आधार पर स्कूलों की तैयारी को परखा जाएगा। आयोग द्वारा यह देखा जाएगा कि कोरोना संबंधित सभी मांगों पर स्कूल खरे उतरते हैं या नहीं, जिसके बाद आयोग स्कूल खोलने के फैसले पर सहमति देगा। बाल संरक्षण आयोग ने शिक्षा मंत्री से 15 दिन में जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में 2 टीम तैयार करने की मांग की है। उसके साथ ही साथ दोनों टीम द्वारा सरकारी और निजी स्कूलों की जांच कराए जाने की भी बात कही है। ब्रजेश चौहान ने कहा है कि स्कूल संबंधी रिपोर्ट देखने के बाद शासन को इस संबंध में आदेश जारी करना चाहिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे अधिक से अधिक शिक्षक साथियों को व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।